वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। अभी मेरा पूजा जस्ट ख़त्म हुआ। ये मेरा छोटा सा पूजा घर है। अभी मेरा हस्बैंड भी ऑफिस गए और मेरा बेटा भी अभी जस्ट स्कूल गया। उन दोनों के जाने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं थोड़ा घर का मेरा क्लीनिंग है वो सब करूँगी। मैंने मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है। अभी मैं आ गई हूँ क्लीन करने घर। ये मेरा मॉर्निंग का डेली 30 मिनट्स मेरा क्लीन करने में ही जाता है। मेरा हस्बैंड भी ऑफिस जाने के बाद और बेटा भी जाने के स्कूल जाने के बाद ये मैं काम मेरा शुरू होता है। मेरा बेटा बहुत नटी है, घर का चीज़ से पूरा इधर उधर करके रखता है। उसका ज़्यादा टाइम ये हॉल में ही स्पेंड करता है वो, तो इसीलिए पूरा हॉल गंदा रहता है। बेडरूम भी गंदा होता है लेकिन हॉल थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वो लोग जाने के बाद ही मैं पूरा क्लीन करती हूँ। फिर आके वो सब भी गंदा करता है आफ्टरनून में, लेकिन डेली तो मुझे ये सब करना ही पड़ता है। सब भी चूजे इधर उधर, सब भी सामान, और बेडरूम में भी थोड़ा रहता है लेकिन हॉल थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये सब करने के बाद ही मैं मॉर्निंग में, उसके बाद ही मैं मेरा दूसरा कुछ काम वगैरह करती हूँ और लंच वगैरह बनाना ये सब शुरू करती हूँ। और आफ्टरनून में आके वही घर का वही जैसा हालत वैसा फिर हो जाता है लेकिन ये तो करना पड़ता है डेली। अभी मैं आ गई हूँ किचन में मेरा लंच बनाने के लिए। मैं आज तूर दाल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कुकर में तूर दाल को धो के ले लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी उसमें। थोड़ा सा नमक, हल्दी और एक टमाटर डालूँगी डाल के उसको 2 सीटी तक पकाऊँगी मैं उसको। और उसके बाद उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, तड़के में बस थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सा जीरा राई लेके, सूखा मिर्च लेके, उसके बाद थोड़ा सा ऑनियन कट करके डाल के उसको, और थोड़ा सा हींग ये डाल के थोड़ा सा मैं तड़का दूँगी उसका दाल को। और उसके साथ में कैबेज की सब्ज़ी बना रही हूँ। कैबेज को इसलिए मैंने कट करके ले लिया है। मैंने पहले कैबेज को बॉईल करूँगी। उसके लिए कढ़ाई मैंने एक ले लिया है, उसमें कैबेज सब जो कट किया था उसको डाल दिया है। और उसमें थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और उसको ज़्यादा नहीं 7-8 मिनट तक थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में पकाऊँगी। पकाने से थोड़ा सा उसका जो स्मेल भी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और पकने में जल्दी भी, कुक करने के टाइम जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं उसको बॉईल कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो मटर और आलू है उसको भी कर लेती हूँ। मटर को छिल रही हूँ पहले, उसके बाद आलू को भी मैं छिल के कट कर लूँगी छोटा छोटा टुकड़े में। मैं आलू, मटर और कैबेज ये तीनों का ही सब्ज़ी बनाऊँगी। दिन में मतलब लंच के टाइम मैं सिर्फ राइस ही खाती हूँ। लंच में तो कोई नहीं रहता है, मेरा हस्बैंड भी नहीं आते और मेरा बेटा तो आफ्टरनून में ही स्कूल से आता है, तो इसलिए मैं अकेले ही लंच करती हूँ। तो मैं सिर्फ राइस ही खाती हूँ। तो मेरा कैबेज बॉईल हो रहा है अभी। मटर भी सभी मैंने छील लिया है। अभी मैं आलू को सभी छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ। उसके बीच मैं थोड़ा मेरा कुछ काम है, कपड़ा वगैरह तो करना, वो कर लेती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ कपड़ा सब फोल्ड करने के लिए। मैं ये 2 दिन का कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने उसको फोल्ड नहीं किया है, वो सब मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ। मैं एकदम से मतलब किचन में रह के खाना नहीं बनाती हूँ। खाना बनाते बनाते उसके बीच में कुछ कर लेती हूँ मैं। उसी बीच कपड़ा भी, आज जो कपड़ा धोया था मैंने उसको भी सुखा के आ गई हूँ। अभी मैं कपड़ा उसको फोल्ड कर दूँगी। मैं मतलब जब भी कुछ खाना बनाती हूँ थोड़ा एक कुछ बना लेती हूँ, एक सब्जी या एक राइस बना लिया या दाल बना लिया, उसके बीच दूसरा काम भी कर लेती हूँ।
अभी मैंने कैबेज का सब्ज़ी बनाना शुरू किया है। कढ़ाई में मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला है उसमें, और जीरा के बाद थोड़ा सा ऑनियन कट करके डाला है, और ऑनियन को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके मैंने उसमें एक टमाटर कट के डाला है। उसके बाद टमाटर को थोड़ा फ्राई करने के बाद उसके उसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। उसका कच्चापन चला जाएगा। उसके बाद मैंने उसमें डालूंगी कटा हुआ जो आलू और मटर था छिल के रखा था मैंने, उसको मैं डाल देती हूँ। और क्योंकि ये कच्चा था तो कैबेज को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था, लेकिन इसको थोड़ा पहले मसाले के साथ अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैं सभी मसाला ऐड करूँगी उसमें। 2 मिनट के लिए पका लिया उसको मैंने। उसके बाद उसमें मैं वो पाउडर मसाला है वो सब मैं डालूंगी। अभी मैंने उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, फिर उसमें डाला है थोड़ा सा चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने डाला है जीरा पाउडर। उसको डाल के मसाला को अच्छे से उसके साथ मिक्स कर दिया। मसाला भुन गया है मसाला अच्छे से आलू के साथ। अभी उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि अच्छे से कोट हो जाए, मसाला अच्छे से पक भी जाए जो पाउडर मसाला डाला था। अभी उसमें मैंने वो जो कैबेज मैंने बॉईल करके रखा था उसको मैं डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी उसको मैं। ऑलरेडी मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था बॉईल करने के टाइम में कैबेज में, तो अभी मैं थोड़ा सा ही सॉल्ट डाल रही हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है उसको। अभी मैं उसको कवर करके थोड़ा कुक होने के लिए 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। अभी 5 मिनट्स हो गया है तो अच्छे से मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अभी मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है गरम मसाला, और थोड़ा सा चीनी मैं डालूंगी। पहले चीनी मुझे पहले डालना था लेकिन मैं भूल गई थी, मसाले के साथ ही डालना था, नहीं तो आप चाहो तो ऑयल में भी डाल सकते हो, पहले जब ऑयल डालो उसके साथ डाल सकते हो, लेकिन मुझे याद नहीं था मैंने तो मैंने अभी डाल दिया। अभी 1 मिनट उसको पका लिया मैंने। उसके साथ मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, कटा हुआ धनिया। ऑलरेडी कैबेज की सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया है। गैस को मैं अभी बंद कर रही हूँ। मेरा लंच बन के तैयार है। मैंने दाल को भी तड़का लगा लिया है और राइस भी बना लिया है और साथ में थोड़ा सा पिकल है। मैं अकेली लंच करती हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ लंच करने। अभी शाम के 4 बज चुके हैं। मैं लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर में मेरा बेटा भी आ जाएगा, और उसके आने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको ही देखना पड़ेगा और उसका होमवर्क भी कराना है। उसके पास बैठ बैठ के उसको होमवर्क भी कराना है। उसके पास नहीं बैठती हूँ तो वो कुछ भी नहीं करता, इसलिए वो आने से पहले ही मैं झाड़ू लगाना जो भी काम होता है शाम का मैं सभी कर लेती हूँ। वो 4:30 बजे तक आ जाता है। उसके बाद उसको खाना देना, फिर उसके होमवर्क पर उसके पास बैठा के होमवर्क कराना। उसके बाद मैं शाम का दिया भी जलाऊंगी। अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारा डिनर भी अभी हो गया है। मैं डिनर मेरे बेटे को होमवर्क कराते कराते डिनर भी बना लिया था। मैं रात को एक रोटी और एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, और मैंने बेटे को होमवर्क कराते कराते थोड़ा थोड़ा बना लिया है वो। और हम रात को भी जल्दी हम डिनर कर लेते हैं, 9 और 9:30 तक हम डिनर कर लेते हैं। हमारा डिनर अभी ख़त्म हो गया है। मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। बर्तन में भी मैं रात में ही धो लेती हूँ क्योंकि मेरी जो मेड आती थी काम करने वो अभी नहीं आ रही है, उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए 1.5 महीना हुआ वो नहीं आ रही है, इसलिए 1.5 महीने से मैं खुद ही कर रही हूँ। तो अभी रात को ही मैं सब कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे उठ के ही फिर ब्रेकफास्ट और सबका टिफ़िन वगैरह वो सब बनाना पड़ता है।
वो मेरा मेड पता नहीं कब आएगी क्योंकि उसको भी हेल्थ प्रॉब्लम है और ये नई जगह है। ये घर हम 4-5 महीना हुआ ये घर आए हैं। इस इधर में किसी को ज़्यादा पहचानती भी नहीं हूँ, इसलिए किसी को भी बोला है नया मेड देखने के लिए। अभी देखते हैं कब आते हैं। अब तक तो मैं ही कर रही हूँ सभी, झाड़ू पोछा से बर्तन कपड़े में सभी ही खुद ही कर रही हूँ। इसलिए मॉर्निंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए रात को ही मैं सब ख़त्म कर लेती हूँ। अभी मेरा गैस का क्लीनिंग में भी मैं अभी कर लूँगी, ऐसे थोड़ा कपड़े में पानी में धो के अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। अभी अगर वो ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं सोने के लिए जाऊँगी। और ये था मेरा आज का पूरा दिन का रूटीन। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।